नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका। तो चलिए आपको बताते हैं मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली हरनाज संधू का कनेक्शन कैसे उत्तराखंड से है। भारत की बेटी ने पूरे संसार में देश का नाम रोशन किया है। चंडीगढ़ की हरनाज संधू को मिस यूनिवर्स 2021 चुना गया है। बता दें कि 21 साल बाद भारत की प्रतिभागी ने ये उपलब्धि अपने नाम की है। लेकिन क्या आप जानते हैं हरनाज संधू का उत्तराखंड से भी कनेक्शन है। ये खास कनेक्शन ऋषिकेश से है। पहले आपको बताते हैं कि 17वां मिस यूनिवर्स पेजेंट इस साल 12 दिसंबर को इसराइल में हुआ। इस प्रतियोगिता में 75 से ज़्यादा खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिलाओं ने भाग लिया था, लेकिन टॉप 3 में से 3 देशों की महिलाओं ने जगह बनाई। इनमें से एक भारत की हरनाज संधू भी रही। साउथ अफ्रीका और पैरागुआ को पीछे छोड़ते हुए संधू ने यूनिवर्स सुंदरी का ताज पहना। हरनाज संधू मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की तीसरी महिला हैं। इनसे पहले सुष्मिता सेन ने भारत को रिप्रेजेंट किया था, उन्होंने इस ताज को हासिल किया था। वहीं साल 2000 में लारा दत्ता ने इस ताज पर अपना नाम दर्ज किया था। इस हिसाब से पूरे 21 साल बाद भारत को ये गौरव मिला है हरनाज के उत्तराखंड कनेक्शन पर। दरअसल हरनाज ने योग की शिक्षा के साथ सफलता का मूल मंत्र ऋषिकेश से लिया है। जी हाँ, उन्होंने ऋषिकेश के योगी डॉक्टर अमित राज से काफ़ी कुछ सीखा है। उन्होंने अपनी मेहनत के जरिए वर्ष 2021 में मिस इंडिया और मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया। संतों की सफलता के पीछे तीर्थ नगरी ऋषिकेश का नाम जुड़ा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि योगी अमित राज के अनुसार उन्होंने मुंबई स्थित फेमिना मिस इंडिया कैंपस बिल्डिंग में जाकर हरनाज को ध्यान, प्राणायाम, योग सहित आवश्यक ट्रेनिंग भी दी थी। गौरतलब है कि इन ट्रेनिंग का मिस यूनिवर्स जैसी प्रतियोगिताओं में काफ़ी असर पड़ता है। जानकारी के अनुसार इसी साल अगस्त से लेकर नवंबर तक प्रतिमा योगी अमृतराज ने हरनाज को 5 सत्र में ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया। हरनाज को सफलता के मंत्र भी दिए। यही कारण रहा कि हरनाज ने बड़े स्टेज पर अपनी मानसिकता का भी शानदार परिचय दिया। तो हरनाज से जुड़ी इस खबर के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। नमस्कार।